Next is question number 5. Briefly explain emotional attitude and perception barriers in communication. How can these be overcome? Now friends, emotional perception and attitude barriers are a part of barriers to communication. Barriers ka meaning kya hota hai? Rukavati. किसी भी तरह का हर्डल, किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन जो कम्युनिकेशन करते वक्त आ सकता है. हमने हमारे मॉड्यूल के अंदर टोटल 10 तरीके के डिस्ट्रैक्शंस पढ़े हैं. उसमें से आपको ये 3 को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है. नाउ इफ़ यू लुक एट द मार्क्स, इट इज़ ऑफ 2 मार्क्स, 2 मार्क का क्वेश्चन है. अब उसके अंदर आपको 3 चीज़ें एक्सप्लेन करनी है. कौन कौन सी? इमोशनल बैरियर्स, एटीट्यूड बैरियर्स and perception barriers. Now when we talk about emotional barriers, emotions का मतलब होता है हमारे अपने gestures, जैसे हंसना, रोना, sad होना, happy होना, ये सब क्या हैं? हमारे emotions हैं. ये emotions में जब हम रहते हैं ना, तो हम rationally कुछ सोच नहीं पाते हैं. We are not in a condition to think rationally. For example, अगर आपका mood बहुत ख़राब है, किसी की भी कही हुई कोई भी बात जो भले ही आपके हित में होगी, भले ही आपके फेवर में होगी, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू टेक इट इन अ रॉन्ग वे. व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड टू अंडरस्टैंड दैट. लेकिन वही अगर आपका मूड बहुत अच्छा होगा ना, किसी की कही हुई डांट भी आपको बहुत अच्छी लगेगी. दैट इज़ इमोशनल बैरियर्स. फिर आता है एटीट्यूड बैरियर्स. एटीट्यूड इज़ नथिंग बट हाउ यू टेक योर सेल्फ. पॉजिटिव एटीट्यूड है या नेगेटिव एटीट्यूड है, इट डिपेंड्स अपॉन योर सेल्फ. पॉजिटिव एटीट्यूड वाला पर्सन हमेशा कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाएगा. नेगेटिव एटीट्यूड वाला पर्सन हमेशा कम्युनिकेशन को रोकेगा, तोड़ेगा. देन इज परसेप्शन. ये एक ग्लास बनाया मैंने, किसी के लिए ये ग्लास आधा खाली है, किसी के लिए ग्लास आधा भरा हुआ. That is perception, आपकी सोच है. आप उसको खाली देखते हो या आप उसको भरा हुआ देखते हो, वो आपका सोच है. That is perception. All right, so let's look at the answer what ICAI has given. Your emotions sometimes affect your communication. Negatives such as anger, fear of criticism or ridicule, mistrust, suspicion, jealousy, anxiety. Anxiety का मतलब होता है एक तरीके से क्या कहते हैं हम लोग, स्ट्रेस फील करना है, तनाव होना. प्ले विद आर माइंड्स एंड रिफ्लेक्ट आर कम्युनिकेशन एबिलिटी एंड क्वालिटी. इफ़ वी आर अपसेट एंड डिस्टर्ब, वी कैन नॉट पास ऑन और रिसीव इंफॉर्मेशन एप्रोप्रिएटली एंड ऑब्जेक्टिवली. वंस वी ओवरकम आर इमोशंस, वी कैन कम्युनिकेट रैशनली. देन इज attitude barriers. Our attitudes can affect communication, especially in a formal setup. If we are proactive and self-motivated, we will communicate promptly, owning complete responsibility of the repercussions. Exactly, repercussions ka matlab hota hai effect. Whereas if we are disgruntled, nakush, disgruntled, bahut gusse wale, shy, introvert or lazy in our approach, we will delay, hesitate in taking the initiative or refuse to communicate. Correcting our attitude can certainly improve our communication. That is attitude barriers. Next, perception barriers. Each one of us perceive the world differently. हम सब लोग दुनिया को अलग तरीके से देखते हैं ना. किसी के लिए कोई चीज़ में अच्छी बात छुपी है, किसी के लिए कोई चीज़ में नेगेटिव है. एक कोट मैं कहीं पर पढ़ रही थी, किसी इंसान को COVID-19 हो गया, शी वॉज पॉजिटिव, बट उन्होंने जब अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर ये लीक किया दैट आई एम पॉजिटिव, तो उन्होंने पता क्या लिखा? थैंक गॉड आई एम COVID-19 पॉजिटिव, एटलीस्ट नाउ आई विल बी एबल टू गिव माई ब्लड और प्लाज्मा टू सेव समबडीज लाइफ. तो आपके साथ में बुरा हुआ, बट उस बुरे में भी आपने क्या ढूंढ लिया? अच्छाई ढूंढ ली. दैट इज परसेप्शन.
Each one of us perceive the world differently, and this causes problems in communicating. The same communication is interpreted differently once our perception about others changes. We can avoid miscommunications and misunderstandings by changing our perception. हमारे perception को change करके हम ये जो पूरा barrier है इसको तोड़ सकते हैं. Next, select the correct meaning of the idioms and phrases given below. Go to the dogs. Go to the dogs is become angry. बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाना is go to the dogs. Out of the wood. Out of the wood का meaning होता है किसी भी मुसीबत से बाहर आ जाना. जैसे हमारे यहाँ पे टाउटे करके एक तूफान आया, एक साइक्लोन आया. Luckily, we have survived it. So हम क्या बोल सकते हैं? We are out of the wood. We are out of the danger. We are no longer in danger. Change the following sentences into indirect speech. I don't know the way. Do you? She asked. She said that she didn't know the way and asked me if I did. उसको रास्ता नहीं पता, क्या आपको पता है? Okay? अच्छा, go to the dogs, become angry भी हो सकता है and become disordered भी हो सकता है. Alright, both can be done, but आप become disordered select कीजिएगा. Next is, you are senior manager in a company. Due to the pandemic, the company had to allow work from home to employees traveling long distances. Okay? आप एक कंपनी के सीनियर मैनेजर हैं. उस कंपनी ने पैंडमिक की वजह से अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दिया. अदर्स रिजाइडिंग क्लोज बाय टू अटेंड ऑफिस थ्राइज अ वीक. बाकी लोगों को जो उसी शहर में रहते हैं उनको 3 दिन आने का ऑप्शन दिया. प्रिपेयर मिनट्स ऑफ अ मीटिंग्स डिस्कसिंग द अरेंजमेंट्स एंड रिसोर्सेज टू बी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज इंक्लूड द आईटी स्टाफ एंड सुपरवाइजर्स. आपको मिनट्स बनाने हैं मीटिंग के. नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सो मेनी टाइम्स कि मिनट्स ऑफ मीटिंग का इम्पॉर्टेंस क्या होता है. इट इज़ नथिंग बट अ क्रोनोलॉजिकल और मेथोडिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ वट एवर हैज़ हैपन्ड इन द मीटिंग. जो भी कुछ मीटिंग में हुआ उसका मेथोडिकल डिस्क्रिप्शन, उसका बिल्कुल एज इट इज़ डिस्क्रिप्शन. हु ऑल वर प्रेजेंट, हु ऑल वर एब्सेंट, हु गेव अ लीव ऑफ एब्सेंस, हु ऑल रेज्ड अ पॉइंट, हु कंसेंटेड अ पॉइंट, हु रिजेक्टेड अ पॉइंट, हु ऑब्जेक्टेड फॉर अ पॉइंट. सो दैट इज़ द वर्क. सो लेट्स हैव अ लुक. और मिनट्स का वैसे भी एक फिक्स्ड फॉर्मैट है. यू जस्ट हैव टू पुट योर वर्ड्स इन दैट फॉर्मैट एंड लीव इट. ओके, so minutes of the meeting, participants in attendance, senior manager accounts, IT head, IT executive, senior executives, manager client relations, ये सारे लोग क्या हैं, in attendance होते हैं. date, yes, date is important. ये date कौन सी है? meeting की date है. meeting started at 11 AM. Mr. ST, senior manager accounts, informed the agenda of the meeting, that is making arrangements to facilitate work from home and preparing a roster for others to attend office thrice a week. Roster ka matlab hota hai, it is nothing but daily entry. Kaun aaya, kaun gaya, that is a roster. In jargon samajhte hain aap log, in technical language it is known as a roster. Mr. RR, Mr. SD and Mr. NP, senior executives, presented details of the subordinate staff including their address and mode of transportation own or public. So it is very important to understand, due to lockdown and the pandemic there is no government services or bus services which is running. So if the employee is coming to the office, how will the employee come, whether he or she is having their own vehicle or transportation, uska unhone ek agenda banaya. Mr. ST asked Mr. RR and Mr. SD and Mr. MP to prepare a roster for staff residing within 5 km radius from the office, circulate the same amongst the staff members, plan a regular reporting system through mails and WhatsApp groups about critical tasks. Critical tasks matlab aise tasks jo bahut zyada important hai, aise tasks jo are of really major importance.
रेगुलर वर्चुअल मीटिंग्स विद द स्टाफ ऑन ब्लू जीन्स और जूम. ब्लू जीन्स एक तरह का वर्चुअल मीटिंग हैंडल है, आप ऐप स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं. जूम एवरीबडी ऑफ अस इज अवेयर ऑफ, इट्स नॉट न्यू टू अस. सेंड अ मेल आस्किंग देयर स्टाफ टू रिक्वेस्ट फॉर लैपटॉप्स एंड प्लग इन इंटरनेट डिवाइसेस और दे मे कैरी देयर डेस्कटॉप्स होम विद प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द IT सेक्शन. कॉन्टैक्ट मिस्टर डॉक्टर IT एग्जीक्यूटिव टू असिस्ट देम टू रिमोटली एक्सेस देयर ऑफिस डेस्कटॉप फ्रॉम देयर लैपटॉप्स फ्रॉम होम इन केस ऑफ एनी एग्जीजेंसीज. Mr. ST asked Mr. RV IT head to procure at least 20 laptops with internet plugins to be given to the staff. Mr. RV to report to Mr. ST in 3 days. Mr. ST asked Mr. TR manager client relations to prepare a list of deliverables to various clients and to share complete details regarding outstanding payment to be received. All right. So, ये सब क्या हैं आपके minutes हैं. आप अपना जितना भी क्रिएटिविटी है वो यूज़ कर सकते हो. मार्क्स वुड बी गिवन बेस्ड अपॉन योर ओन क्रिएटिविटी. मिस्टर ST डिलीवर्ड वोट ऑफ थैंक्स. ATR टू बी सबमिटेड. व्हाट इज़ ATR? एक्शन टेकन रिपोर्ट. व्हाट इज़ एन एक्शन टेकन रिपोर्ट? एन एक्शन टेकन रिपोर्ट इज़ नथिंग बट जो भी मिनट्स के अंदर आपने एक्शंस लिए उन एक्शंस के ऊपर बाद में रिपोर्टिंग कैसे हुई. ग्रुप टू अगेन मीट वर्चुअली ऑन अप्रैल एट द सेम टाइम. दैट इज़ इट. नेक्स्ट, prepare a cover letter and a detailed resume in the functional format for a candidate applying for the post of article assistant in a CA firm. Name and qualification, CA intermediate, one group. आपको पहले cover letter बनाना है, then you have to make a detailed resume. So when we talk about a cover letter, it is nothing but a replica of a normal formal letter. All right? So a cover letter is a clear replica of a formal letter. सब कुछ आप लेफ्ट में लिख सकते हो. यू कैन यूज़ अ ब्लॉक्ड फॉर्मैट और यू कैन यूज़ अ सेमी ब्लॉक्ड फॉर्मैट, नॉट एन इशू. सो टू द मैनेजर ASD कंसल्टेंट्स, श्याम नगर, न्यू दिल्ली. आप डेट यहाँ भी लिख सकते थे. यू कुड हैव ऑल्सो शिफ्टेड द डेट टू योर, नॉट एन इशू. बोथ द थिंग्स आर राइट. जैसा आपने आपके स्कूल में पढ़ा, यू कैन फॉलो द सेम फॉर्मैट, नॉट एन इशू. सर, देन सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आर्टिकल असिस्टेंट. ग्रीटिंग्स फॉर द डे. I am writing this letter to express my interest in the position of article assistant in your firm. Now, why is cover letter important? In one day, probably there must be more than 40 to 50 applications coming in a company. Now, how would be the person know for which application the person is eligible? That is why we have a habit of writing the cover letter. I have qualified CA Intermediate Group 1 in January 2021. Right now, I'm looking for an opportunity in a prestigious firm like yours so that I can learn different aspects of the profession and make a worthy contribution. I'm ready to present myself for a personal interaction as per your convenience. I assure you that I will work with utmost allegiance to your firm. Allegiance is contributing towards the excellence of the firm. Allegiance ka meaning kya hota hai? किसी भी तरीके से एक्सपर्टीज देना. आई एम रेडी टू प्रेजेंट माई सेल्फ फॉर अ पर्सनल इंटरेक्शन, ऑलरेडी डिस्कस्ड. माई डिटेल्ड रिज्यूमे इज इंक्लोज योर विथ फॉर योर पर यूजुअल. पर यूजुअल इज हैव अ चेकिंग वन टाइम. लुकिंग फॉरवर्ड टू अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स. बेस्ट रिगार्ड्स, डैश. देन यू हैव राइट अ रिज्यूमे. नेम, एड्रेस, न्यू दिल्ली, ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर. ऑब्जेक्टिव, I seek to join a firm where I can learn various aspects of profession and use my skills and knowledge of MS Excel, MIS, Tally and taxation with GST. I wish to contribute towards organizational goal through my technical skills, hard work and initiative. Then academics mein, aap chaho to BCom niche bhi likh sakte ho. You can write intermediate at the first level. Skills, MS Office, Tally, advanced Excel, payroll, good analytical and decision making skills. Achievements, as captain of the school cricket team, won 2 consecutive zonal inter-school championship trophy, part of the team that won the 3rd prize at the National Inter-School Quiz Contest organized by Ministry of Education and HR in 2019. Then your personal details. Aap apna jo format hai usko bhi follow kar sakte the, not an issue. All right. So with this we finish the March 21
MTP, that is the mock test paper of ICAI. Thank you.